हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अर चैनल बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने हमारा एक टॉपिक है जो कि कंप्लीट कर लिया था विच इज़ रिलेटेड टू पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 ठीक है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में जो बनी थी क्या उसका एम था क्यों बनाया गया था और क्या मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए थे कि सर्टन चीज़ों के लिए वो उसके अंदर मैंशन किया गया है आज जो हम चालू करने वाले हैं बच्चों वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो कि एन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है एनवायरमेंट बेसिकली क्या होता है बच्चों जो हमारा सराउंडिंग होता है जहाँ पर हम रह रहे हमारे आस का जो वातावरण है बेसिकली उसका हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है तो ये दोनों ही इंपैक्ट किस तरीके से हमारी लाइफ में बदलाव लाते हैं चेंजेस लाते हैं हम वो समझने की कोशिश करेंगे तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं ओके सो बेसिकली एनवायरमेंट इज द सराउंडिंग्स इन विच अ लिविंग बिंग टेक्स बर्थ यानी कि एक ऐसा सराउंडिंग जहाँ पर हम पैदा होते हैं जहाँ पर हम रहते हैं एंड इवॉल्व अकॉर्डिंग टू द चेंजेस दैट हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर्टन टाइम के बाद जो भी चेंजेस होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में हम उसको उस हिसाब से हम भी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं ढाल लेते हैं इट इज सेट दैट एन्वायरमेंटल चैलेंजेस चेंजेस एंड मेक्स ह्यूमन बींगस अडेप टू द स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट देव इन तो जैसे जैसे एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो भी आते हैं चाहे पॉजिटिव हो नगेटिव हो जिस तरीके के चेंजेस आते हैं उस बदलाव के साथ हम भी अपने आप को ढालते हैं उन एन्वायरमेंटल चेंजेस के अंदर दस एन्वायरमेंट विजिबली अफेक्ट द ह्यूमन लिविंग ऑन इट इन मेनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेज इसी के साथ साथ बोला जा रहा है कि एन्वायरमेंट जो है हमको डायरेक्टली भी अफेक्ट करता है और इनडायरेक्टली भी क्या करता है अफेक्ट करता है नाउ एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ लिविंग एंटिटीज डिपेंड अपॉन दर एनवायरमेंट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर आपने देखा होगा हमारे चैप्टर वन चैप्टर टू के अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है हमने पूरा एनर्जी चेन पढ़ा है फूड चेन पढ़ा है आप फिर से प्रीवियस लेक्चर्स को जाकर देख सकते हो तो हम जो है बच्चों हम जो लिविंग बींग्स हैं हम लोग किसके ऊपर डिपेंड होते हैं हमारे एनवायरमेंट के ऊपर किसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए सन के ऊपर हो गया चाहे प्लांट्स के ऊपर हो गया ताकि हम जब वो कंज्यूम करें तो वो एनर्जी उससे हमको मिलती है ना सम ऑफ़ दीज रिक्वायरमेंट्स आप प्योर वाटर इसी के साथ साथ आप कुछ रिक्वायरमेंट जो है एक तो पानी है जिसकी हमको ज़रूरत पड़ती है क्लीन एयर की हमको जरूरत पड़ती है अनएडल्ट्रेटेड एंड न्यूट्रिश फूड की ज़रूरत पड़ती है बिना मिलावट वाले खाने की हमको ज़रूरत पड़ती है अ डिजीज़ फ्री कम्यूनिटी टू लिव इन और एक ऐसा वातावरण हम चाहते हैं रहना ऐसी जगहों पर रहना चाहते हैं जहाँ पर किसी तरीके की कोई बीमारियाँ ना हो दीज फैक्टर्स आर नोन टू एड टू द लॉन्चिविटी ऑफ दी ह्यूमन हिस्ट्री और इसी के साथ साथ हमारी जो जीवन की आयु जो है वो भी क्या होती है बढ़ती है जब हम एक हेल्थी लाइफ जी रहे होते हैं इट इज़ ऑल्सो अ नोन फैक्ट दैट सैनिटेशन एग्रीकल्चर ट्रीटेड वाटर एंड पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन हैव एन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ अब इसी के साथ साथ बोला जा रहा है जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होती है बच्चों जो वॉशरूम की फैसिलिटीज़ होती है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए उसके साथ साथ एग्रीकल्चर ट्रीटेड वाटर जो भी आ, वेस्ट वाटर है जिसको तो सही से ट्रीट किया जाना चाहिए hmm. पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन इसी के साथ साथ हमारा खुद का पर्सनल हाइजीन और उसी के साथ साथ जिस कम्युनिटी में हम रह रहे होते बेसिकली जिस सोसाइटी में हम रहते होते हैं यहाँ पर हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन बीइंग के हेल्थ के लिए वन कैन नॉट ओवरलुक द फैक्ट दैट अपार्ट फ्रॉम सपोर्टिंग एंड नर्चरिंग ह्यूमन लाइफ इट कैन आल्सो कॉज डिजीजेस अब इसी के साथ-साथ जो हमारा एनवायरमेंट है इसका पॉजिटिव इफेक्ट तो हमारे ऊपर होता है हमारी हेल्थ के ऊपर लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट भी हमारी हेल्थ पर होता है वन ऑफ़ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ रेट इज़ द लैक ऑफ नेसेसिटीज़ तो सबसे कॉमन कॉज जो बताया गया है रीज़न बताया गया है डेथ रेट जो सबसे ज़्यादा रीज़न uh, है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो एक हिसाब से लैक ऑफ नेसेसिटीज़ ज़रूरत की चीज़ें जो हमारे पास नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न होता है डेथ रेट के इंक्रीज होने में एनवायरमेंटल रिस्क कैन इंक्रीज़ द चांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हार्ट डिजीजेस कैंसर्स एंड वेरियस अदर इल्नेस बेसिकली जब हम देखेंगे आगे जाकर हमारे सेमेस्टर टू के अंदर किस तरीके से पोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को तो कहीं ना कहीं जब ये एनवायरमेंटल रिस्क होता है इसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियाँ भी होती है जैसे हार्ट डिजीजेस हो गए कैंसर्स हो गए वेरियस अदर इल्नेस हो गए रिलेटेड टू योर लंग्स में बी योर किडनीज़ तो ये एनवायरमेंट का इफेक्ट होता है जो आपकी बॉडी पर होता है अनट्रीटेड ड्रिंकिंग वाटर पुअर हाइजीन एंड इनप्रॉपर सैनिटेशन कैन काजेज़ इन्फेक्श डिजीज सचेज़ कॉलरा डायरिया एंड डेंगू तो बेसिकली अगर साफ़ पानी नहीं है या कहीं ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जमा है तो मच्छर आते हैं तो डेफ़िनेटली उससे हमको डेंगू होने के चांसेस होते हैं अगर पानी सही नहीं है तो कॉले या डायरिया होने के हमको चांसेस होते हैं तो इस तरीके से जो हमारा इन्वयरमेंट है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होता है द मोस्ट ऑब्वियस इम्फैक्ट्स दैट वी हैव सीन आर फ्रॉम डिटीरियोरेटिंग वाटर क्वालिटी अब हमने इसके साथ साथ और भी जो देखा है वो क्या है वाटर क्वालिटी को घटते हुए हमने देखा है वाटर की क्वालिटी और ज़्यादा दिन पर दिन क्या हो रही है खराब हो रही है एयर पोल्यूशन है अनसैनिटरी कंडीशन और इसी के साथ साथ जितने सारे सीवेज वेस्ट होते हैं वो भी वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिए जाते हैं रेडिएशन पॉइजनिंग टू हैज डेडली कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ह्यूमन हेल्थ इसी के साथ साथ जो ये न्यूक्लियर वॉर्स होते हैं या कहीं ना कहीं इस जो रेडिएशन निकलते हैं तो उसकी इम्पैक्ट भी हमारे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर काफ़ी हद तक होता है पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स यूज इन फूड प्रोडक्शन डोंट डिसअपियर वैन दे हिट द स्टोर शेल्स सो बेसिकली जब फूड प्रोडक्शन के टाइम पर पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है तो कहीं ना कहीं जब वो फूड प्रोडक्शन हो चुका है बन चुका है हम सोचते हैं पेस्टिसाइड उसमें से निकल जाएगा तो ऐसा नहीं होता है कुछ मात्रा में वो पेस्टिसाइड्स उन फूड्स के अंदर अवेलेबल होता है दे गो डायरेक्टली इन टू द फूड वी ईट्स तो डायरेक्टली वैसे फूड में चला जाता है बेसिकली जिसके लिए यूज किया गया है पेस्टिसाइड्स तो जो हम खाते हैं तो वो हम अल्टीमेटली पेस्टिसाइड्स भी कंज्यूम कर लेते हैं नॉट ओनली डू दिस मॉडर्न एडिटिव डिग्रेड द दॉयल क्वालिटी ऑफ अर फार्म लैंड एंड हार्म द पॉलीनेटर्स सो बेसिकली ना कि सिर्फ ये हमारे मॉडर्न एडिटिव जो है वो सॉयल की क्वालिटी को डिग्रेड नहीं करते हैं दैट हेल्प ग्रो आर फूड बट दे कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन द पीपल हु ईट दैम इसी के साथ साथ ये पेस्टिसाइड्स के कंजम्पशन कहीं ना कहीं बॉडी में क्या हमारे क्रिएट करते हैं कैंसर जो है वो पैदा करते हैं और उसी के साथ साथ क्या करते हैं कई बार ऐसा होता है कुछ डिजीजेस की एंटीबायोटिक्स भी होती है लेकिन वो हमारी बॉडी पर असर नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी पेस्टिसाइड का कंजम्पशन हमारी बॉडी पर हो चुका है सो द ह्यूमन बॉडी इज मोस्टली वाटर ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पानी है कितना प्रतिशत सेवेंटी परसेंट इनफैक्ट एडट टू द रियलिटी दैट टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द वाटर ऑन द प्लानट इज ड्रिंकेबल अगर देखा जाए तो प्लानट पर जो पानी अवेलेबल है कितना पीने लायक पानी है जो प्योर वाटर है वो कितना है पीने लायक ओनली टू पॉइंट फाइव परसेंट पीने लायक पानी है एंड इट बिकम्स क्लियर वाई प्रोटेक्टिंग आर वाटर सप्लाई सो इंपॉर्टेंट और इसीलिए सबसे बड़ा रीजन है देखो इंसान का जो शरीर है जो सेवेंटी परसेंट पानी जिसके अंदर भरा रहता है और पूरे प्लानट पर सिर्फ टू पॉइंट फाइव परसेंट पानी है जो अवेलेबल है तो कहीं ना कहीं अब हमको समझ में आना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस है वाटर की हमारी लाइफ में ऑल द द क्लीन वाटर एंड सेफ क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्स आर मेंप टॉक्सिन आउट ऑफ वाटर ये भी है कि क्लीन क्लीन वाटर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट्स बनाए गए हैं जहाँ पर हमको टॉक्सिन जो है वो जितने भी केमिकल्स है वो सारे पानी के बाहर रखना है हमको मेक श्योर sure करना है कि ये उन पानी के अंदर जाकर वाटर बॉडीज में मिक्सअप ना हो मैंने स्टिल स्लिप बाय बोथ आर पॉलिसी सेव एंड ए फिजिकल फिल्ट्रेशन सिस्टम्स बावजूद इसके कई बार ऐसे जो फिज़िकल फिल्ट्रेशन सिस्टम्स लगाए रखे हैं उससे भी और हमारी पॉलिसी भी कहीं ना कहीं क्या होती है इसमें पीछे हड पीछे हो जाती है किस चीज़ के लिए जब ये केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं टॉक्सिन्स वाटर बॉडीज़ के अंदर फ्रैंकिंग फॉर नेचुरल गैस विच इज़ कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर अब नेचुरल गैस की वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो ख़राब हो जाता है कंटेमिनेट होता है हेज़ लेट्स टू हेल्थ प्रॉब्लम इन कम्यूनिटीज़ और इसी की वजह से लोगों के अंदर कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने मिलती है वेर दोज रिसोर्स आर बिंग एक्सट्रैक्टेड जहाँ से ये रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है निकाला जाता है पल्यूटेड रन ऑफ फ्राम सिटीज़ एंड फार्म फ्लोज इन टू द रिवर्स वी ड्रॉ मच ऑफ आर ड्रिंकिंग वाटर फ्राम एन एंड अपना वाटर बॉडीज इसी के साथ साथ जितना भी पल्यूटेड रन ऑफ रहता है जो कि पानी में चला जाता है बारिश की वजह से वाटर बॉडीज़ में चला जाता है तो अल्टीमेटली ये पल्यूशन पल्यूशन का भरा जो फार्म के अंदर से पानी जाता है ये भी उन रिवर्स में जाकर मिल जाता है वो रिवर्स वो वाटर बॉडीज़ जो हम अपने कंजम्पन के लिए यूज़ करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कहीं ना कहीं वो हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है मोटर व्हीकल एंड इंडस्ट्रियल एमिशन इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ टू एज दीज सोर्सेज कंटेन डेंजरस पोल्यूटेंट्स लाइक मर्क्यूरी एंड सल्फर इसी के साथ साथ मोटर व्हीकल जो होती है हमारी गाड़ियाँ होती है और इंडस्ट्रियल एमिशंस जो इंडस्ट्री से धुआं निकलता है जो अमिशन बाहर निकलते हैं कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट करते हैं क्योंकि दिस सोर्सेज कंटेन डेंजरस पोल्यूटेंट्स अब इसके अंदर डेंजरस पोल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है वो क्या है मर्क्यूरी और सल्फर डाईऑक्साइड द अमेरिकन लंग एसोसिएशन फाउंड दैट टू मेनी अमेरिकन लिव इन एरियाज अनहेल्दी लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन अब अमेरिकन लंग एसोसिएशन ने क्या फाइंड आउट किया कि जो अमेरिकन है वो सबसे ज्यादा इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं क्यों अनहेल्दी लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन है एंड आर एट अ रिस्क ऑफ इलनेस लाइक लंग एंड हार्ट डिजीजेस कैंसर एंड एस्तमा और इसीलिए कहीं ना कहीं अमेरिकन जो है इन बीमारियों से सबसे ज्यादा सफर करते हैं कैंसर हो गया लंग एंड हार्ट डिजीजेज और अस्थमा दैट इज़ बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन देखो बच्चों एयर पोल्यूशन का कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है लोगों की ज़िंदगी के ऊपर राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स फ्रॉम क्लाइमेट चेंज वर्स इन पोल्यूशन अब एयर पोल्यूशन तो है ही कंट्री में लेकिन उसके साथ साथ ये जो ग्लोबल वार्मिंग है जिसकी वजह से और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है चेंजेस आ रहे हैं तो उसका भी इफेक्ट जो होता है वो क्या करता है पोल्यूशन को और ज़्यादा बढ़ा देता है इंडोर एयर कैन बी डेंजरस एज वेल गिवन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड मोल्ड और इसी के साथ साथ बोला जा रहा है इंडोर एयर भी डेंजरस हो सकती है ये मत सोचो घर में बैठे हैं तो हम जो ऑक्सीजन ब्रीद कर रहे हैं वो बहुत अच्छा नेचुरल है सेफ है नहीं कहीं कही ना कहीं आज पलूशन की वजह से इंडोर एयर भी हमारी क्या हो चुकी है बहुत ज़्यादा पल्यूट हो चुकी है वी कैन लिमिट आर एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स एज मच एज पॉसिबल ऑन द इंडिविजुअल लेवल अब हम क्या कर सकते हैं ये जो टॉक्सिनस है इंडिविजुअल लेवल पे अपने ही लेवल पर हम क्या कर सकते हैं कोशिश कर सकते हैं कि इन टॉक्सिन्स को हम क्या करें लिमिट कर सकें इनका एक्सपोजर जो है वो कम कर सकें बाई ईटिंग ऑर्गेनिक फूड जहाँ पर हम ऑर्गेनिक फूड खा सकते हैं अवॉइड प्लेस एंड टाइम्स ऑफ हैवी एयर पोल्यूशन जहाँ जब जहाँ टाइम पर हमको पता है कि एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होने वाला है इस वक्त गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा बाहर निकलती है एयर पोल्यूशन के चांसेस है ऐसे टाइम पर हमको अवॉइड करना है कि हम बाहर ना निकले एंड गेटिंग आर वाटर टेस्टेड फॉर डेंजरस मेटल्स एंड केमिकल और उसी के साथ साथ जो पानी हम पीते हैं हमको टेस्ट करवाना है कि वो पानी पीने के लिए हेल्दी है या नहीं है बट मोर इम्पॉर्टेंटली वी नीड एडवोकेट्स हु विल स्टॉप पॉल्यूशन एट इट सोर्स अब इसका मतलब ये नहीं कि हमको कोई वकील चाहिए होता है कोई वकील का काम नहीं है पॉल्यूशन को रोकना बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कोई वकालत करने वाला इंसान होना चाहिए किस चीज़ के लिए जो पॉल्यूशन के लिए कदम बढ़ाए तो कौन है ये वकालत करने वाला इंसान हम ही को तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना हम ही को तो वो एडवोकेट बनना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा इस पॉल्यूशन को रुकाने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा

क्या ये जो मेजर चेंजेस होते हैं उसके लिए हम ज्यादा कोई एफर्ट्स नहीं दिखाते हैं वी आर वेटिंग फॉर इर रिफ्यूटेबल एविडेंस बाय द टाइम वी डू गेट इट इट माइट बी टू लेट हम लोग अभी रुके हुए हैं किस चीज़ के लिए यार कुछ बहुत बड़ा होगा ना तब देखा जाएगा अभी तो फिलहाल बेरेबल है कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ इतना नहीं हो रहा है हमको तो हम एक ऐसी चीज़ों के लिए एक ऐसे सिचुएशन के लिए रुके जहाँ चीज़ें वर्स हो जाए जब वर्स्ट हो जाएगी तब हम क्या करते हैं उन चीज़ों का ध्यान रखना शुरू करते हैं द एनवायरनमेंट हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन यू ह्यूमन हेल्थ जैसा हमने अभी अभी पढ़ा है इसके इम्पेक्ट देखे किस तरीके से ह्यूमन हेल्थ पे इंपैक्ट होता है एनवायरनमेंट का इट इज़ वेरी मच इसेंशियल टू कीप आर एन्वायरमेंट हेल्दी टू प्रोटेक्ट अलाइज फ्राम डिफरेंट इन्वायरमेंटल हजात इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है क्या अपने अनवायरमेंट को हेल्दी रखना और उसी के साथ साथ अपने ज़िंदगी को बचाए रखना सुरक्षित रखना किससे इन्वायरमेंटल हजात से जो डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल हैजात से जो हमने कई कई सारे इसमें देख भी लिए हैं तो ऐसे हजात से अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये टॉपिक ऐसा है जो बच्चों कई बार आपने अपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर कई बार ऐसे टॉपिक्स आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ओके अब क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको एच भी बोला जाता है जो नाइनटीन में आया इंटीग्रेट्स द सिग्निफिकेंट सोशल एंड इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स ऑफ अ कंट्री टू असेस द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री आप किसी भी कंट्री को हम कब बोलते हैं कि वो कंट्री डेवलप हो चुकी है या कंट्री का उद्धार हो रहा है डेवलपमेंट हो रहा है जब उस कंट्री के अंदर ये जो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक तो सोशल एस्पेक्ट और एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट जब ये दोनों ही एस्पेक्ट सक्सेसफुल रहते हैं तब जाकर हम कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं एच डी आई जनरली यूज इज थ्री डायमेंशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन दट इंक्लूड अब एच डी आई का तीन इंपॉर्टेंट डायमेंशन है बच्चों जिसके ऊपर ये एच डी आई पूरा बेस्ड है एक आता है आपका एजुकेशन दूसरा आता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तीसरा आता है आपका हेल्थ ऑफ़ दी पीपल बेस्ड ऑन विच कंट्रीज डेवलपमेंट इज असिस्ड एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द हेल्थ ऑफ द पीपल इन दी कंट्री इसके बेसिस पर हमको पता चलता है ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट कितना हुआ है एच डी आई इज़ अ स्टेटिस्टिकल मेजर डेवलप्ड बाई महबूल महबूब उलहक और पाकिस्तानी इकनॉमिस्ट इट वॉज़ लेटर अडोप्टिड बाई यूनाइटेड नेशनस डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर मेजरिंग द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज़ सो बेसिकली ये जो पाकिस्तानी इकनॉमिस्ट है महबूब उलहक इन्होंने क्या किया था इन्होंने सबसे पहले इस थियोरी को फाइंड आउट किया एच डी आई के और इसी के साथ साथ लेटर ऑन जो है यू एंड डी पी ने भी क्या किया इसको अडॉप्ट किया कंट्रीज के लिए UNDP releases a yearly report by assessing the countries of the world on the parameters mentioned above. अब यू एन क्या करती है हर साल रिपोर्ट जो है वो रिलीज करती है एच डी आई की जो पैरामीटर्स मैंशन किए हैं उस पैरामीटर्स के बेसिस पर कौन सी कंट्री कितनी सक्सेसफुल रही है उसके बेसिस पर उसका एच डी आई रिपोर्ट जो है वो जनरेट होता है इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन इसको बोला जाता है एक बेस्ट इंडिकेटर है किस चीज के लिए नेशन के डेवलपमेंट को चेक करने के लिए एज इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स नेसेसरी टू डिटन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों इसको बेस्ट इंडिकेटर बोला जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जितनी चीज़ें काम की इम्पोर्टेंट होनी चाहिए वो इसके अंदर इंक्लूड रहती है दैट इज द रीजन एच डी आई एस वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट अब इसके कॉम्पोनें हम देख लेते हैं तीन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट या हम इसको डायमेंशन बोल सकते हैं कि कौन से तीन इंपॉर्टेंट डायमेंशन है एच के जिसके ऊपर पूरा ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेस्ड है सबसे पहले आता है आपका हेल्थ द फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ एच डी आई इज हेल्थ एंड फॉर डिटर्माइनिंग अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर तो हेल्थ जो है वो हम डिटरमाइन कैसे करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उस कंट्री में लोगों की उसके बेसिस पर जो जिसको हम लॉन्गिविटी भी बोलते हैं तो बेसिकली इसके ऊपर डिसाइड होता है क्या डिसाइड होता है एच का सबसे पहला वाला पैरामीटर जो कि हेल्दी लाइफ है उस नेशन के जो सिटीजन है वो कितने हेल्दी है वहां बर्थ रेट डेथ रेट हर एक चीज़ जो है वो उसके अंदर इंक्लूड होती है और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो देखी जाती है सेकेंड पैरामीटर है हमारा एजुकेशन सो बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन कैन भी इंडिकेटेड बाय अनादर इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेट विच इज एजुकेशन एजुकेशन कैन बी मेजर्ड इन टू स्टेजेस तो बेसिकली अगेन एजुकेशन का दो और हिस्सों में डिवाइड किया गया है विच कैन बी एक्सपेक्टेड एज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग दैट इज बेस्ड ऑन एंट्री लेवल स्कूलिंग एज एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो कि सेकेंडरी लेवल आता है आपका टोटल स्कूलिंग एज फॉर द एडल्ट पॉपुलेशन तो एजुकेशन को फर्दर डिवाइड कर करके बताया गया है कि कितने लोग उस कंट्री में एजुकेटेड है एजुकेटेड जो है लिटरेसी रेट जो है उसका परसेंटेज कितना है उसी के साथ साथ दो पैरामीटर्स पर अगेन डिवाइड किया गया है सबसे पहला आता है आपका एंट्री लेवल पर कितने बच्चे जो है वो एडमिशन लेते हैं स्कूलिंग अपनी कंप्लीट करते हैं और उसी के साथ साथ सेकेंडरी लेवल तक टोटल स्कूलिंग ईयर्स जो कंप्लीट करना चाहिए तो कितने बच्चे अपना एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो अपना एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करता है तो ये दो अगेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो हमारे एजुकेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं थर्ड जो हमारा पैरामीटर है वो आता है हमारा इनकम द थर्ड पैरामीटर दैट इज कंसिडर डिटरमाइनिंग अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इनकम एंड इट इज डिटरमाइंड बाई द ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा तो बच्चों यहाँ पर जो हमने देखा था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो वो इनकम के बेसिस पर क्या होता है डिसाइड होता है कि कितनी ज्यादा इनकम है लोगों की किस तरीके से लोग रह रहे, रहे हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है तो तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमने देखा है एक तो हेल्थ देखा है हमने एजुकेशन देखा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या इनकम भी बोल सकते हो कि इनकम के बेसिस पर ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बच्चों वो क्या होता है एच इंडेक्स में डिसाइड

तो इस साल जो रिपोर्ट बनी है बिकॉज कोविड नाइन्टीन ने बहुत बड़ा इफेक्ट किया था हमारी कंट्री में हमारी नहीं देश पूरे दुनिया भर में थी लेकिन हमारी कंट्री पर उसका इफेक्ट क्या हुआ बच्चों हमारा स्कोर जो था वो क्या था वन थर्टी था हमेशा स्कोर या रैंक कैसा होना चाहिए जैसे आप 130 रैंक पे आते हो तो रैंक आपका आगे बढ़ना चाहिए ना 129, 128, 127 ऐसा आके फर्स्ट रैंक पर आ जाए इंसान राइट ऐसी कंट्रीज जो है वो फर्स्ट रैंक पर आ जानी चाहिए तो सिमिलरली क्या हुआ 130 से हम कहाँ चले गए हम 132 पर चले गए कौन से ईयर में दो में दो में वन था और फिर हम पहुँच गए वन के ऊपर तो ये हुआ है सबसे बड़ा जो फॉल है एच uh, का दैट वॉज बिकॉज ऑफ कोविड नाइन्टीन इम्पैक्ट इंडियन सिनेरियो की अब हम बात करते हैं एचडीआई के अंदर इंडिया रैंक वन थर्टी सेकेंड वन वन कंट्रीज यानी कि टोटल वन कंट्री वन कंट्रीज है जिसमें से हमारा जो रैंक है वो क्या है वन थर्टी टू

India's लेटेस्ट HDI value of 0.633 places the country in the medium human development category. ह्यूमन डेवलपमेंट अब क्योंकि HDI value आई वैल्यू हमारी जो है वो हो चुकी है जीरो पॉइंट सिक्स थ्री थ्री तो इसकी वजह से हमारा जो एच डी आई है ह्यूमन डेवलपमेंट वो क्या माना जाता है मीडियम कैटेगरी में माना जाता है लोअर देन इट्स वैल्यू ऑफ़ जीरो पॉइंट सिक्स फोर फाइव इन द ट्वेंटी ट्वेंटी रिपोर्ट तो ट्वेंटी ट्वेंटी रिपोर्ट जो है उसके अंदर हमारा जो वैल्यू था वो क्या था जीरो पॉइंट सिक्स फोर फाइव एच डी आई वैल्यू था अभी जो प्रेजेंट है वो हमारा जीरो पॉइंट सिक्स थर्टी थ्री है द रिपोर्ट एट्रीब्यूट द ड्रॉप इन एच डी आई अब ये जो ड्रॉप है जीरो पॉइंट सिक्स फोर फाइव टू थाउजेंड नाइनटीन टू जीरो पॉइंट सिक्स थ्री थ्री इन ट्वेंटी ट्वेंटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्रॉम सिक्सटी नाइन पॉइंट सेवन ईयर्स यानी कि इस आयु से लेकर इस आयु तक के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो सर्वे पीरियड के अंदर कैलकुलेट की गई थी इंडिया इज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग स्टैंड एट नाइन ईयर्स यानी कि स्कूलिंग का जो एक्सपेक्टेड ईयर्स है हमारे कंट्री में वो क्या है नौ साल की उम्र में

हमने अपनी पोजिशन वन थर्टी सेकेंड पर तो लेकर गए इसी के साथ साथ अगर हम जेंडर डेवलपमेंट की बात करें जीडीआई की बात करें तो फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो गई है बच्चों वो भी ड्रॉप हो गई है सेवेंटी वन ईयर्स जो हुआ करती थी कौन से साल में दो हज़ार बीस में वो डिक्लाइन होकर क्या हो गई है अब सिक्सटी एट पॉइंट एट ईयर्स हो गई है ट्वेंटी ट्वेंटी वन की रिपोर्ट के हिसाब से

यानी कि जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स होता है वहाँ पर हमारा स्कोर क्या रहा है जीरो पॉइंट वन टू थ्री जहाँ पर हमारा हेडकाउंट रेशियो जो होता है ट्वेंटी सेवन पॉइंट नाइन परसेंट था वो एट पॉइंट एट परसेंट पॉपुलेशन रीलिंग अंडर सीवियर मल्टी डायमेंशनल पावर्टी तो पॉवर्टी की वजह से हमारा जो ये भी रेशियो था वो डिक्लाइन हो चुका है ओवर द लास्ट decade, इंडिया हैज लिफ्टेड अ स्टैगरिंग 271 million out मिलियन आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी द रिपोर्ट नोटेड अब इसमें बोला गया है कि 271 मिलियन जो है हमारा बोला लास्ट डेकेट में क्या हुआ है काउंट किया गया था जो कि एक स्टैगरिंग ग्रोथ हो जाती है ओके अमोंग इंडियाज नेबर अब इंडिया की अगर नेबरिंग कंट्री की हम बात करें तो कौन सी कंट्री कौन सी कौन सी कंट्रीज ऐसी है जिनका एच में रैंकिंग होता है तो बेसिकली श्रीलंका जो है सेवेंटी थर्ड नंबर पर है चाइना सेवेंटी नाइन पर है बांग्लादेश वन टवेंटी नाइन पर है भूटान वन ट्वेंटी सेवन पर है आर रैंक्ड अबाउ इंडिया तो ये सारी कंट्री इंडिया के ऊपर है अब इंडिया के बाद अगर किसी का नंबर हम देखें तो टोटल है उसमें से इंडिया वन थर्टी सेकेंड पोजिशन पर है पाकिस्तान वन सिक्सटी वन पोजीशन पर है नेपाल 143 पर है और म्यानमार जो है वो 149 पर है जो कि वर्स्ट कंडीशंस में है। ओके द दरिपोध सेड अराउंड 90 परसेंट ऑफ़ कंट्रीज़ रजिस्टर अ डिक्लाइन इन द हडीआई वैल्यू इन 2020 और इन 2021 तो so 90 परसेंट जो कंट्रीज़ है आउट ऑफ़ 191 इस 191 का 90 परसेंट कंट्रीज़ जो है उन्होंने क्या बोला है कि हर किसी ने क्या देखा है बच्चों हर किसी ने डिक्लाइन देखा है 2020 से 21 में दैट वाज ड्यू टू दी कोविड-19 पेंडेमिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम क्लेरिफाइड दैट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज द चॉइसेस ऑफ पीपल तो यहां पर यू क्या सजेस्ट करता है मेन ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट का क्या होना चाहिए टू इंक्रीज द चॉइस ऑफ पीपल बाई प्रोवाइडिंग एजुकेशन हेल्थ बेटर न्यूट्रिशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल सिक्योरिटी तो लोगों के लिए हमको क्या करना चाहिए ना कि सिर्फ उनका एजुकेशन फैसिलिटी दो हेल्थ फैसिलिटी दो न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड करो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दो सोशल सिक्योरिटी उनको दो तभी तो जाकर हमारे कंट्री में एच का रेशियो जो है वो अच्छा होगा तभी तो हम बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री का डेवलपमेंट कब होता है जब वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होता है बिना लोगों के डेवलपमेंट के कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होता है दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फिर से याद कर लो बच्चों सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर जो बहुत ज़रूरी होते हैं एच को समझने के लिए इन एनी कंट्री लाइक आर ओन द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हैज़ रिमेंड मैनीफोल्ड इट इज़ रिलेटेड टू ओवरऑल एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हैज़ रिमेंड मैनीफोल्ड इट इज रिलेटेड टू ओवरऑल यानी कि यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट जो है उसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी देखा जाता है इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज इसी के साथ साथ गाँव और शहरों का जो है हाल जो है वो भी चेंज होना चाहिए वहां पर भी डेवलपमेंट दिखाई देना चाहिए सो ऑल्सो द ट्राइबल एरियाज इट इज़ कंसर्न विद सोशल प्रॉब्लम अब इसी के साथ साथ हम अर्बन देख रहे हैं रूरल देख रहे हैं हमको ट्राइबल एरियाज का भी प्रॉब्लम देखना है उसी के साथ साथ सोशल प्रॉब्लम इन विच डिफरेंट सोसाइटीज़ हैव रिमेन बैकवर्ड अब वो सोसाइटी के लोग जो बैकवर्ड रह चुके हैं जो पीछे रह चुके हैं पीछे इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट रह चुके हैं ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस सोशियो कल्चरल फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स पे सोशियो और कल्चरल फैक्टर्स के बेसिस पर जहां पर ऐसी कुछ कम्युनिटीज़ है जो पीछे रह चुकी है इनका भी डेवलपमेंट होगा तभी जाकर हम बोल सकते हैं हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग इंडिया अ कंट्री ऑफ कॉन्ट्रेस्ट सो बेसिकली हमारी जो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम और पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम बात करते हैं हमारे कंट्री के डेवलपमेंट की The economic and regional disparities in India ye jo differences hai, economic differences or regional differences low uh, India mein, are so sharp that the social scientists interested in human welfare of a country have to show a constant concern and want the government in different decades सिंस इंडिपेंडेंस हाउ द डिस्पैरिटीज आर स्प्रेडिंग एट ऑल लेवल्स अब ऐसे कुछ सोशल साइंटिस्ट हैं जो काम करना चाहते हैं हमारी एकता के अंदर कहीं कही ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है तो कहीं कही ना कहीं हम चाहते हैं इस यूनिटी को किसी तरीके से हम क्या करें डाइवर्स ना करें ऐसे कई सारे सोशल साइंटिस्ट है जो काम करना चाहते हैं ये जो डिफरेंसेस है ये जो, जो डिस्पैरिटीज है, है रीजनल डिस्पैपैरिटीज हो गई कांस से रिलेटेड हमारे जो डिफरेंसेस हो गए ये सारी चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं बट अल्टीमेटली लोगों के माइंड सेट यहाँ पर सेट है जो चेंज होना नहीं चाहते तो ये बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है उन सोशल साइंटिस्ट के लिए जो समझते हैं कि कंट्री का डेवलपमेंट पॉपुलेशन के सॉरी हमारे जो सिटीज़न हैं उनके डेवलपमेंट के साथ साथ कंट्री का डेवलपमेंट ही पॉसिबल है अदरवाइज पॉसिबल नहीं है लेकिन ये चीज़ हम लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं हाउ द डिस्पैरिटीज आर स्प्रेडिंग एट ऑल लेवल्स और इसी तरीके से ये जो डिफरेंसेस है ये हर एक लेवल पर क्या होता जा रहा है बढ़ते ही जा रहा है अब अगर एच के हिसाब से हम बात करेंगे स्टेट्स की तो कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जो डेवलपमेंट के मामले में सबसे ज़्यादा आगे और अच्छे रहे हैं अगर हम बात करें केरला और तमिलनाडु की तो ये आते हैं टॉप पोजीशन के ऊपर अगर हम बात करें उसके बाद जो इमीडिएट आते हैं वो है पंजाब महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी अवेलेबल है द थर्ड कैटेगरी इज एसोसिएटेड विद गुजरात आंध्र प्रदेश एंड हरियाणा तो यहाँ पर भी हमको डेवलपमेंट देखने मिलता है अब जो फोर्थ कैटेगरी है, हमारा बीमारू वाला स्टेट जो हमने पहले भी देखा है बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार ओके बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश एंड असम दी स्टेट्स हैव नॉट येट शोन गुड प्रोग्रेस एज फार एज ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंसर्न ये स्टेट्स ने आज भी अच्छा डेवलपमेंट ह्यूमन का नहीं दिखाया है यहाँ पर आज भी उतनी तरक्की नहीं हुई है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इज लो एंडहेंस रिक्वायर सम मोर रेमेडियल मेजर्स यहाँ पर जो क्वालिटी लाइफ मिलनी चाहिए लोगों को वो नहीं मिलती है इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा रेमेडियल मेजर्स लेने की जरूरत है तो दीज आर दी स्टेट्स जो हमको मैंशन करके बताना है बच्चों एच डी के अंदर कि क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं कौन से स्टेट अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से ऐसे स्टेट है जो हमारा बीमारू स्टेट है वो हमेशा कहीं ना कहीं पीछे लैक कर जाता है बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस है बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो लैक कर जाता है सॉरी <coughs> ओके नेक्स्ट और लास्ट जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो आता है हमारा वर्ल्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है ये अगर आप हैप्पीनेस देखो तो कहीं ना कहीं समझ में आता है ये कंट्री के लोग कितने ज़्यादा खुश हैं उनकी मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा अच्छी है तो अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है देखो बच्चों हर वक्त डेवलपमेंट जो है वो हम सिर्फ इस हिसाब से नहीं देख सकते हैं कि वहाँ पर कितना ज़्यादा पैसा है उस कंट्री में कितना ज़्यादा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है सिर्फ पैसों में हम नहीं तोल नहीं सकते नहीं नाप सकते हैं कि वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हुआ है तो कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है अगर वहां के कंट्री के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कई कुछ प्रॉब्लम है वहां के लोग अगर खुश नहीं है तो अल्टीमेटली तो भी हम नहीं बोल सकते उस कंट्री के के डेवलपमेंट बारे में तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है कहीं कही ना कहीं वहां लोगों के आ, कंट्री के लोगों के सिटीजन के जो है वो मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करता है और कंट्री क्या मेजर्स लेती है मेंटल हेल्थ के लिए ये भी देखा जाता है ये एक फॉर्मूला है जो मैंने बनाया है आपको हैप्पीनेस के लिए जो हम जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली exactly वो क्या होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ओके, सो द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ हैप्पीनेस पब्लिश्ड एज अ रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशंस नेटवर्क तो ये है यू एन ओके तो बेसिकली एक मेजर है हैप्पीनेस का ठीक है ये जो हमारा ह्यूमन इंडेक्स ये जो हमारा इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स तो बेसिकली क्या है ये इट इज अ मेजर ऑफ हैप्पीनेस पब्लिश्ड बाय अ रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क तो ये जो है क्या करती है ये संस्था हमेशा बताती है कौन से कंट्री में जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो ज्यादा है ओके नेक्स्ट इट सेज दैट इन जुलाई 2011 द यूएन जनरल असेंबली पासड अ रेजोल्यूशन तो जुलाई 2011 में क्या हुआ था बच्चों यूएन जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन पास हुआ था जहां पर मेंबर कंट्रीज जितनी भी है ना उनको इनवाइट किया गया था ताकि मेजर कर सके हैप्पीनेस ऑफ देयर पीपल एंड टू टू यूज दिस हेल्प गाइड देयर पब्लिक पॉलिसीज अब तुम्हारी कंट्री के लोग कितने ज्यादा खुश हैं मेंटल हेल्थ कितनी ज्यादा अच्छी है ये भी कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसी के बेसिस पर क्या की जाएगी उसी के बेसिस पर हम हमारे पब्लिक पॉलिसीज को फ्रेम करेंगे Now, on April 2, 2012 स एंड तो सबसे पहली मीटिंग जो रखी गई थी हाई लेवल की मीटिंग थी हैप्पीनेस और वेलबींग के ऊपर डिफाइनिंग न्यू इकोनॉमिक पैराडाइम विच वॉज चेयर मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर जो थे भूटान के जिगमे थिनले उन्होंने क्या किया था इस मीटिंग को कंडक्ट किया था द फर्स्ट एंड सो फार ओनली कंट्री टू हैव ऑफिशियली अडॉप्टेड ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज देयर मेन डेवलपमेंट इंडिकेटर यूजुअली हम जब देखते हैं बच्चों जो जी होता है कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है हम लोग मेजर क्या करते हैं जैसे जैसे हमारा जी डी इंक्रीज होते जा रहा है तो हम मानकर चलते हैं अरे वाह कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है राइट लेकिन भूटान सबसे पहली ऐसी कंट्री है जो मानती है कि हमारे कंट्री में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जी नहीं हमारा जी एन एच है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी अगर हमारे कंट्री के लोगों की मेंटल हेल्थ अच्छी है वेलबिंग well है खुश है तो जाकर हमारी कंट्री जो है वो डेवलप हो रही है तो पहली ऐसी कंट्री कौन सी है भूटान है जहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है वो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट इंडिकेटर होगा The first World Happiness Report was released on April 1, 2012 as a foundational text for the meeting. तो सबसे पहली World Happiness Report जो है वो release हुई थी कौन से year में 2012 date क्या थी first of April. It drew international attention as the world's first global happiness survey. अब पूरी दुनिया भर से जितने भी देश है सबका जो ध्यान है वो इस तरफ चला गया क्यों क्योंकि सबसे पहली global happiness survey जो है वो किसी ने conduct किया था द रिपोर्ट आउटलाइन द स्टेट ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस तो बेसिकली रिपोर्ट में क्या बताया गया था वर्ल्ड हैप्पीनेस देखा गया उनके खुश रहने के रीजन्स को देखा गया किसी तरीके की माइजरी है तो वो चेक किया गया एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशन हाईलाइटेड बाई केस स्टडीज और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको सपोर्ट करते हुए कुछ केस स्टडीज़ को बनाया गया इन सप्टेम्बर टू थाउजेंड थर्टीन The Second World Happiness Report offered the first annual follow-up. अब सेप्टेम्बर 2013 में क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो बनाई गई बच्चे डेट हमेशा याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑब्जेक्टिव तो आपको ईवीएस में बेसिकली होता नहीं लेकिन कहीं ना कहीं आपके आंसर को सपोर्ट करने के लिए आपके पास ये एक जो होता है एज एज अ सपोर्टिव मेजर काम आ जाता है सो बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड हैपीनेस रिपोर्ट जो है सेप्टेम्बर टू में आया जो फॉलोअप रिपोर्ट बनी हमारी पहले वाले रिपोर्ट की आर नाउ इशूड एवरी ईयर और उसके बाद से हर साल अभी क्या होती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स जो है वो बनती है ईच एनुअल रिपोर्ट इज अवेलेबल टू द पब्लिक ऑन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वेबसाइट तो अगर आप लोग चाहते हो चेक करना तो आप वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को उनकी वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हो चेक कर सकते हो in the report leading experts in several fields of economics psychology survey analysis national statistics and more describes how measurements of well-being can be used effectively to assess the progress of nations Abhijov एक्सपर्ट्स होते हैं कौन से कौन से फील्ड के इकोनॉमिक्स के फील्ड के साइकोलॉजी के सर्वे एनालिसिस के नेशनल स्टैटिस्टिक्स और ऐसे बहुत अलग अलग फ़ील्ड से एक्सपर्ट्स आते हैं मिलते हैं और ये लोग मिलकर कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि कौन से पैरामीटर्स पर डिसाइड होगा कि लोग खुश है या नहीं है और उसी के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे हमारी नेशन जो है वो तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है ईच रिपोर्ट इज ऑर्गेनाइज बाई चैप्टर्स दैट्स ड्वेल्व डीपर इन टू इशूज अब ये हर एक रिपोर्ट के अंदर क्या होता है चैप्टर वाइज बनता है जैसे आपके टेक्सट बुक में चैप्टर्स होते हैं सिमिलरली हर एक रिपोर्ट के अंदर जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट होती है उसको चैप्टर वाइज डिवाइड किया जाता है हर एक रिपोर्ट जो है हर एक चैप्टर जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है किस इशूज़ के ऊपर इशूज रिलेटिंग टू हैप्पीनेस इशूज़ रिलेटिंग टू मेंटल इलनेस किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बेनिफिट्स ऑफ हैप्पीनेस ऑब्जेक्टिव बेनिफिट्स क्या होते हैं लोगों के खुश होने के अलग अलग रीजंस क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स एथिक्स क्या रोल प्ले करता है पॉलिसी इंप्लीकेशन एंड लिंक्स विद द ओ अप्रोच टू मेजरिंग सब्जेक्टिव वेलबींग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ना कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव मेजर के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है बच्चों सब्जेक्टिव वेलबींग के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है जिसके बेसिस पर हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है Now the data is collected from people in over 150 countries each. वेरिएबल मेजर रिविल्स अ पॉप्यूलेटेड वेटेड एवरेज स्कोर स्केल रनिंग्रॉम जीरो बच्चों बनती है तो डेटा जो कलेक्ट होता है वो कहां से कलेक्ट होता है डेढ़ सौ कंट्रीज में से मिलाकर ये अलग अलग वेरिएबल अब कौन से कौन से वेरिएबल है बच्चों हमने देखा ना यहाँ पर मेंटल इलनेस के ऊपर हैप्पीनेस के ऊपर ऑब्जेक्टिव बेनिफिट्स ऑफ हैपीनेस क्या है एथिक्स का रोल क्या है पॉलिसी इंप्लीकेशन क्या है ये अलग अलग वेरिएबल्स है तो हर एक वेरिएबल को एक स्केल स्केल के ऊपर मेजर किया जाता है जीरो टू टेन के और उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है दैट इज ट्रैक्ट ओवर टाइम एंड कंपेयर अगेंस्ट अदर कंट्रीज और इसी के साथ साथ हर एक कंट्री का क्या होता है आपस में एक कंपैरिजन होता है जिसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कौन सी कंट्री में हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है दीज वेरिएबल्स करेंटली इंक्लूड रियल जी डी पी पर कैपिटा अब ये जो वेरिएबल की हम बात करें जिसके ऊपर स्टडी होती है तो वो वेरिएबल में क्या इंक्लूड होता है एक होता है जी डी पी पर कैपिटा दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा लोगों की जो इनकम होती है वो कैलकुलेट की जाती है सोशल सपोर्ट हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्रीडम टू मेक द लाइफ चॉइज जेनरॉसिटी एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन तो ये सारे वेरिएबल मेजर्स है जो लिए जाते हैं कंसिडर किए जाते हैं जब हैप्पीनेस रिपोर्ट का सर्वे हो रहा होता है ईच कंट्री इज ऑल्सो कंपेयर्ड अगेंस्ट अ हाइपोथेटिकल नोशन कॉल डाइटोपिया तो एक नोशन है डाइटोपिया जिसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है अब ये डाइटोपिया होता क्या है इट रिप्रेजेंट्स द लोवेस्ट नेशनल फॉर ईच की वेरिएबल एंड इज विद एरर एज अ रिग्रेशन तो बेसिकली लोवेस्ट नेशनल एवरेजेस फॉर ईच की वेरिएबल जितने भी इंपॉर्टेंट वेरिएबल है उसमें से सबसे ज्यादा लोवेस्ट नंबर पर कौन आता है और उसको यूज करते हुए हम क्या करते हैं बेंच मार्क सेट करते हैं बेंच मार्क यानी कि हमने गोल सेट किया और हमने देखा प्रेजेंटली हम उसके ऊपर किस तरीके

मार्च ट्वेंटी टू थाउजेंड यानी मार्च ट्वेंटी टू थाउजेंड सिक्सटीन को क्या सेलिब्रेट होता है यू एन की तरफ से वर्ल्ड हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट होता है तो तभी ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड हैपीनेस रिपोर्ट गिवस ए स्पेशल रोल टू मेजरमेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इक्वालिटी अब इसी के साथ साथ पहली बार ये जो रिपोर्ट बनाई गई उसमें पहली बार किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ इनइक्वालिटी के ऊपर यानी जो हम सोसाइटी में इनइक्वालिटी करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्बिंग अमोंग कंट्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्बिंग यानी कि हेल्थ से रिलेटेड अमॉन्ग कंट्रीज एंड रीजन्स तो अलग अलग कंट्रीज और रीजन्स में उसका क्या इम्पैक्ट होता है वो इस रिपोर्ट में बताया गया नाउ डेनमार्क का जो नंबर है 7.526 रैंक आता है फर्स्ट नंबर पर डेनमार्क है यानी कि अगर सबसे ज़्यादा ऐसी कोई कंट्री देखे जो बहुत ज़्यादा वहाँ के सिटीज़न खुश हैं तो वो है हमारी डेनमार्क डेनमार्क के बाद जो सेकेंड नंबर पर आता है वो है हमारा स्विट्ज़रलैंड ऑन द लिस्ट फॉलोड बाय आइसलैंड तो आइसलैंड जो है हमारा वो क्या है थर्ड नंबर के ऊपर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के हिसाब से नॉर्वे जो है फोर्थ नंबर पर है फिनलैंड जो है वो फाइव फिफ्थ नंबर पर है तो इस तरीके से बच्चों आपको इनके भी नाम जो है वो याद रहने चाहिए कौन सी कंट्रीज कौन से नंबर पर रैंक करती है वेन इट कम्स टू वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया का जो रैंक आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में वो है हमारा हंड्रेड एंड एटीन रैंक इन द लिस्ट विद स्कोर ऑफ फोर पॉइंट फोर जीरो फोर डाउन वन स्लॉट फ्रॉम लास्ट ईयर ऑन द इंडेक्स यानी लास्ट ईयर जो हमारा इंडेक्स था उसके कंपैरिजन में अभी जो हमारा स्कोर है वो क्या हो गया है कम हो चुका है Now, the द said सेड इंडिया among the द ग्रुप ऑफ टेन witnessing द बिगेस्ट हैप्पीनेस डिक्लाइंस along विद अच्छा अब जो रिपोर्ट है वो हमको बताती इंडिया जो है पहले दस कंट्रीज में आती थी जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग जो है वो खुश रहा करते थे मेंटल हेल्थ वेलबिंग अच्छी हुआ करती थी किसके साथ आती थी वो वेनेसवेला के साथ आती थी सऊदी अरेबिया के साथ इजिप्ट वोत्सवाना के साथ ना इंडिया कम्स बिलो अब इंडिया जो है वो क्या हो गई इन कंट्रीज से भी पीछे हो गई कौन सी कंट्री से पीछे हो गई सोमालिया जो कि 76 नंबर पर आती है चाइना जो 83 नंबर पर है पाकिस्तान जो है हमारा वो 92 पर आता है ईरान आता है हमारा वन नंबर पर फलस्तिन कंट्रीज जो है हमारी हंड्रेड पर आती है और बांग्लादेश हंड्रेड पर आता है अब देखो बच्चों ये ऐसी कंट्रीज है कहीं ना कहीं ये भी इंडिया से आगे निकल गई है वेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है इंडिया का जो रैंक है वो हमको याद रखना है वो है हंड्रेड एंड एटीन तो दिस वॉज ऑल अबाउट आर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स दिस वी हैव विद चैप्टर और इसका जो पीडीएफ है बच्चों वो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपके मिल जाएगा सो स्टेट इन टू आर लेक्चर्स थैंक यू वेरी मच